नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पटना से दैनिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से काफी ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है पटना से प्रकाशित होने वाले पेपर देश प्रांत से, जिसमें दिया हुआ है कि कल सोन नदी पर कोइलवर के पास जो है वो एक नए पुल का उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया, इसका एक लेन शुरू कर दिया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया। और इसी मौके पर केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो कि लखनऊ से बलिया तक बन रहा है, उसका विस्तार बक्सर तक किया जाएगा। तो बिहार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि बक्सर तक जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा और इससे जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की यात्रा जो है काफ़ी आसान हो जाएगी। वही अगली खबर अभी हमने देश प्रांत से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि कोरोना वैक्सीन का भंडारण का काम शुरू हो गया है और इसके लिए जो पटना में NMCH का जो हॉस्पिटल है उसमें जो टीकाकरण का वार्ड है उसे सुरक्षित किया गया है और यहीं पर सबसे पहले भंडारण किया जाएगा और यहीं से एक नियम के तहत, एक प्रक्रिया के तहत जो वैक्सीनेशन का जो कार्य है उसे पूरा किया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से, जिसमें दिया हुआ है कि 17 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में हल्का फुल्का बारिश हो रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 15 से 16 दिसंबर को बिहार में भी बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है और 17 से दिसंबर से जो सर्दी है वो अपना रूप दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि ठिठुरन और सिहरने वाली जो कपकपी है, सर्दी है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया हुआ है कि नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया है कि जो किसान बिहार में किसानों की धान की खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है, रैयत वाले जो किसान हैं वो अब 200 क्विंटल के बदले 250 क्विंटल जो है वो बेच सकते हैं अपने जो जो मंडी है उसमें, और वही गैर रैयत वालों को 75 क्विंटल से 100 क्विंटल का जो है वो दिया गया है, उसका विस्तार किया गया है। और आगे आपको बता चले, अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, जिसमें दिया हुआ है कि सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर को लगाम लगाने के लिए परसों नीतीश कुमार ने एक बैठक कर रखी थी और उसके जो निष्कर्ष निकले, उसमें जो फैसले लिए गए, उसको लेकर पुलिस मुख्यालय में कल मैराथन बैठक चली और इसमें निर्देश दिया गया कि जो DM, SP, DIG और IG तक के अधिकारी जो हैं वो रात्रि में वो गश्ती किया करेंगे और जाकर ब्यौरा लेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर है रात्रि में भी इसका खासा ध्यान रखा जाएगा ताकि अपराध पर जो है नियंत्रण लगाया जा सके। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, जिसमें दिया हुआ है कि IIT JEE का जो मेन एग्जाम है उसे साल में 4 बार कराने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने कल वर्चुअली माध्यम से जितने भी अभिभावक हैं, शिक्षक हैं और विद्यालय के जो जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ एक बैठक की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और शेड्यूल को लेकर, और उसमें उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है कि जी का जो परीक्षा है वो अगले साल 2021 में 4 बार लेने का लिया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक जो है उस पर निर्णय नहीं लिया गया है, विचार गति से किया गया है। वही अगली खबर जो है हमने लिया है दैनिक भास्कर से ही, जिसमें दिया हुआ है कि पटना मेट्रो का कार्य जो है वो NHAI और रक्षा मंत्रालय से NOC मिलने के बाद शुरू हो जाएगा। हालांकि कार्य जो है वो शुरू हो गया है, भूतनाथ रोड जो है वहां पर एजेंसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें 2 कॉरिडोर हैं, दानापुर और एक जो है वो 0 माइल, यहां पर 2 कॉरिडोर जो है बनाए जाएंगे और इसका काम जो है एजेंसी ने शुरू कर दिया है। हालांकि NOC मिलने के बाद काम में तेजी आएगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, जिसमें दिया हुआ है कि सूबे के जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के खिलाफ आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे, विरोध पर रहेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। हालांकि कोविड और इमरजेंसी सेवाओं को इनसे बाहर रखा गया है। उनका कहना है कि जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उन्हें यह अधिकार नहीं देना चाहिए था।
वही अगली खबर भी हमने दैनिक भास्कर से लिया, इसमें दिया है कि 66वीं बीपीएससी परीक्षा में 127 पद जोड़े गए हैं और इससे जो है जो कुल संख्या है वो 462 के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ था वो बढ़कर 589 हो गया है। ये 127 जो सीटें हैं ये ग्रामीण विकास विभाग की हैं जिन्हें इसमें ऐड किया गया है। आपको बता दें 66वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा 27 दिसंबर को नियत किया गया है और सूबे के 35 जिलों में 888 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 4,50,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उसमें भाग लेंगे। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया हुआ है कि बिहार में सिपाही भर्ती का शारीरिक परीक्षा चल रहा है गढ़नी बाग में और लगातार जो है उसमें फर्जी जो छात्र हैं वो पकड़े जा रहे हैं। वैसे छात्र हैं जो कि पीटी परीक्षा में खुद शामिल नहीं होकर किसी सॉल्वर गैंग को वो बैठाए हुए थे, स्कॉलर को बैठाए हुए थे और फिजिकल परीक्षा खुद देने पहुंच रहे हैं और लगातार हर एक रोज जो है बड़ी संख्या में वैसे छात्र पकड़े जा रहे हैं और उन्हें गढ़नी बाग थाने में लाया जा रहा है, FIR दर्ज किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया हुआ है कि कला संस्कृति एवं युवा मामले के मंत्री मंगल पांडे ने यह घोषणा किया है कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण के बेतिया और मुजफ्फरपुर में ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे और इसके लिए मुजफ्फरपुर में जो ऑडिटोरियम है उसके लिए लगभग 41 करोड़ का जो बजट है उसे मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द जो है इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा और ये 3 जिलों में नए ऑडिटोरियम मिल सकते हैं जिसमें स्पेशल सुविधा रहेंगी, सभी कलाकारों को ध्यान में रख के उसका निर्माण कराया जा रहा है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि क्रिसमस के दिन पटना वासियों को एक बड़ा उपहार मिल सकता है, दीघा आर ब्लॉक रोड जो निर्माणाधीन है उसे चालू किया जाएगा। लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस रोड की दूरी जो है इस पथ के चालू होने से 7 से 8 मिनटों में पूरी की जा सकती है और 31 दिसंबर तक ये अल्टीमेटम दिया हुआ था एजेंसी को कि सारे कार्य पूरा कर लेने हैं लेकिन 25 तारीख को इसे शुरू कर दिया जाएगा जिससे पटना का ट्रैफिक जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी सुगम हो जाएगा और दीघा से आर ब्लॉक आने वाले लोगों के लिए काफ़ी ये सुलभ हो जाएगा कि वो बिना किसी जाम के, और काफ़ी अच्छी सड़क बनाई गई है, साउंड प्रूफ सड़क बनाई गई है तो उससे वो यात्रा कर सकेंगे। 25 तारीख को ये जनता के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये थी आज पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इसके साथ ही साथ HS बिहार के पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।